हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे आप लोगों ने ये मुझसे पूछा कि आप क्या इनबॉर्न पब्लिक स्पीकर हैं, क्या हमेशा से आप ऐसे ही स्टेज पे बोलते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ स्टेज फियर एट अ टाइम, बट आई कीप ऑन लर्निंग। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज टिप्स दूंगी कि हाउ वी कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है हम बहुत ही अच्छी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में स्पीच लिख के रख लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं बस इन्हें याद कर लें और जाके स्टेज पे इधर उधर ऊपर नीचे देखते रहेंगे और बोलते चले जाएंगे रट के। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू कनेक्ट टू आवर ऑडियंस, एंड फॉर कनेक्टिंग टू आवर ऑडियंस वी नीड टू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड गुड वॉइस ऑल्सो। वॉइस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कोयल की तरह गाना गाना है आके स्टेज पे, ऐसा नहीं है मैंने कहा है। आपकी जो भी बात आप कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो इस तरह से आप बात करें कि सामने वाले को इंटरेस्ट आए सुनने में और उसके समझ में आए जो भी पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कंटेंट से ज़्यादा रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि जो भी हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जिस तरह से हम जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप एक ही वर्ड को किसी तरह से भी कह सकते हैं और उसका जो है इम्पैक्ट इफेक्ट होता है। द वे यू आर कन्वेइंग किसी भी चीज़ में, आपको किसी भी क्राउड में कोई जोश लाना है तो आप अलग तरह से बोलेंगे, जाग उठो, इस तरह से जो है थोड़ा सा उनके अंदर इंथ्यूजियाज्म और जोश पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो है दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमको कभी भी अपने आप को नर्वस फील नहीं होने देना है। सामने वाला ये देख के ना कहे कि जो है अरे ये बंदा बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, इसमें जो है कुछ भी जो है बोलने का जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसने किसी से स्पीच खरीद ली है, स्पीच के वर्ड्स खरीद लिए हैं। एंड यू नो देर आर पीपल हु आर जस्ट डूइंग दैट, दे हायर पीपल टू राइट देयर स्पीचेस। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वी शुड ट्राई टू बिकम एज नेचुरल एज पॉसिबल। वॉट एवर वी आर टेलिंग, ऐसा लगना चाहिए कि जो है ये हमारे मन से निकल रही है ये आवाज़। जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो हमारे मन से निकल रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बनावटी बातें कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपसे खुद से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाएंगे उस बात के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टेज पे हैं, आप अपने ऑडियंस से आँखें चुरा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, कभी किसी तरफ देख रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं। ऑडियंस यही सोचेगी कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग डैट। या कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी सा एटीट्यूड दिखाते हैं जब आप स्टेज पे होते हैं, कहीं एक कोहनी सर पे रख ली, कभी ऐसे टेढ़े हो गए, कभी यूं हो गए, कभी वो हो गए, तो ये भी हमें नहीं करना है। तो वी हैव टू, मैं ये नहीं कह रही कि पॉइंट्स कुछ हो ही ना, अगर आपकी स्पीच में कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो वो भी बेकार है, पॉइंट तो होने हैं। बिकॉज ए गुड स्पीच इज़ जस्ट लाइक अ पेंसिल। जिस तरह से हम पेंसिल से वर्ड्स बनाते हैं और पेपर पे लिखते हैं, उसी तरह से एक अच्छी स्पीच एक अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहिए उसके सामने, जो भी आपकी ऑडियंस है उसके ऊपर। और वो इम्पैक्ट जब पड़ेगा जब आपके पास पॉइंट्स भी हों, आपको पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हो। द 90% रोल इज ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स, कैसे आप अपनी बात अपने सामने जो भी पब्लिक है, जो भी क्राउड है, उस तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह के
इमोशंस आप जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इफ़ यू विल जस्ट स्टैंड लाइक दिस और आप रट के आ गए, गुड इवनिंग जेंटलमैन, आई एम सेइंग दिस एंड दैट डैट, एवरीबडी विल स्टार्ट स्लीपिंग, स्लीपी फील करेंगे आप खुद. बिकॉज हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है. जब भी हमें कोई भी चीज़ किसी को समझानी है तो थोड़ा सा यह है कि इमोशनल वेरिएशन आनी चाहिए चीज़ों में. ये नहीं कि बस बोलते चले जा रहे हैं मोनोटोन में, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो वी कुड ऑल्सो बी अ पब्लिक स्पीकर एंड कीप ऑन ट्राइंग. आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड मैं हमेशा डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी. और शुरुआती दौर में जब व्हेन आई वाज वेरी यंग जब मैंने स्टार्ट किया था डिबेट में पार्टिसिपेट करना, देयर आर टाइम्स व्हेन आई वाज जस्ट ब्लैंक ऑन स्टेज एंड माय क्लासमेट्स हु आर देयर टू सपोर्ट मी दे स्टार्टेड लाफिंग एंड आई स्टार्टेड लाफिंग ऑल्सो. तो ऐसा होता है कि ये जो है हम लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है और स्टार्टिंग में होता है, ट्राई करते रहना चाहिए. डोंट बी एफ्रेड ऑफ फेलियर. यू आर अ पार्टिसिपेंट, डैट इज़ अ बिग थिंग. पार्टिसिपेट करिए, हारने से मत डरिए. हार, एक एक हार आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप इम्प्रूव करते जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबडी हु वुड लाइक टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर. थैंक यू.